भाई 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 अपनी बोट में पानी घुसने लग गया है। कहाँ कहाँ से लेके जाएगा मेरे को अपना सार्जेंट? सेम टू सेम अगर यहाँ पे बर्फ और गिरा हो ना, पूरा साइबेरियन वाला भाई। सार्जेंट रेडी? ओए ओए ओए, सुंदर लड़की देखने के पीछे पड़ जाते हो, छोड़ो इसको। मर गया है? जिंदा है? जिंदा है, ये जिंदा है। गुड मॉर्निंग नागालैंड एंड वेलकम टू पंक्ति विलेज। अपने जो UNCN यूनिसेफ एक्स नागा आर्मी के जो भाई साहब हैं, अभी उनके घर पे हूँ, ये मेरा सेकंड डे है। तो अभी मैं इनके घर के अंदर आया, यहाँ पे देखा मैंने सब कुछ, हिज वाइफ बट शी इज नो मोर। बट ये भाई साहब के ट्रेनिंग डेज की फोटो है, ये वाला म्यांमार का बता रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा ट्रेनिंग म्यांमार में हुआ था ना। ये वाइफ इनका, ये खुद का, कितना हैंडसम था ये बंदा, देखो अभी भी हैंडसम है, वैसा कोई बात नहीं है। ये भी पूरा म्यांमार का इनका ट्रेनिंग डेज का, और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो दिखाता हूँ। ये वाला जैसे अपने बहादुरी के लिए नहीं मिलता, पर अभी चक्र या कुछ वैसा कुछ। तो आज हमारा जो जाने का प्लान है वो है, यहाँ से एक डैम पड़ता है उसके लिए। कौन सा डैम? पंक्ति विलेज। तेरे को विलेज का ही नाम याद रहता है बस। थैंक यू सर्जन। दिस नाम की योर लैंग्वेज? नो दिस वन ओपी। अभी सुबह सुबह निकलने से पहले अपना चल रहा है खाना पीना, क्योंकि अपने को पता नहीं शाम को हम लोग कब तक लौटेंगे, तो जितना हो सकता है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह उठते ही कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ठूसना पड़ रहा है। सही बात है, बोलो। सही बात है, जानवर नहीं इंसान है ना इसने। हाँ। वापिस कितने बजे तक आएगा? कोई पता नहीं। ओके, सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल पंक्ति विलेज, और ये यहाँ का असेंबली ऑफ गॉड चर्च, एस्टिम्ड 1994। मैं बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाला वाइब्स आ रहा है ना, ऐसा चीज़ें तो मेरे को चाहिए। आपका टाइटल? मुली। मुली। आप मुली लैंग्वेज में कैसे बोलता कि हाउ आर यू? नो ओछोला। नो ओछोला। ओके, नो ओछोला। नो ओछोला, हाउ आर यू? अभी ले लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा रास्ता, क्योंकि जिस जगह पे हम आज जाने वाले हैं वो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर, और आज गाँव में शोमो नहीं आया, तो हम शॉर्टकट लेके किसी जंगल के रास्ते से कहाँ पे निकलेंगे, और वहाँ से पता नहीं। भाई साहब पूरा कमांडो वाला आउटफिट है भाई साहब का, और फिजी का ना वो भी दिखाऊंगा मैं आपको सेम वैसा। हो सकता है मेरे को ट्रैकिंग भी करवा दे पूरा वहाँ तक, लेकिन मैं मर जाएगा भाई, मैं मर जाएगा। गांव देखो भाई आप, सेम टू सेम अगर यहाँ पे बर्फ और गिरा हो ना, साइबेरियन गाँव जैसे लगेंगे, पूरा साइबेरियन वाला भाई। बवाल गाँव है भाई, बवाल गाँव है भाई। मैंने नागालैंड में आने के बाद पहली बार ये कुछ ऐसा गांव देखा जहाँ पे आपको पक्के घर मुश्किल से मिलेगा, ऐसे कच्चे, नीचे बैम्बू से बनाए और उसके ऊपर ये मिट्टी का लेप। एंड दिस ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल, मेरे हिसाब से गांव में एक ही स्कूल है। एंड नाउ आगे माय फेवरेट प्लेस ऑफ द विलेज, एंट्री पॉइंट। भाई दिखने में बिल्कुल हॉन्टेड जैसा नहीं लगता, और एंट्री पॉइंट के पास में ये बेपिस्ट सेमेट्री। जीसस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के बाहर, और ये एंट्री के ऊपर कोई ढाबा था शायद किसी टाइम में, जो कि अभी क्लोज्ड। भाई 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 कहां कहां से लेके जाएगा मेरे को अपना सार्जेंट। तो अपने सार्जेंट ने मेरे से पहले लिफ्ट का जुगाड़ कर लिया, ऐसा ही बंदा मांगता है मैं अपना पार्टनर। बार्सिलोना फ्लैग। ओके, I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. तो भाई ने ड्रॉप कर दिया अपने को, कुछ ऐसा फार्म हाउस बना हुआ है भाई का मस्त वाला। सो यहाँ से अब अपना सफर होता है शुरू। अभी हम कहाँ पे जाएगा? अभी हाँ नदी में जाएगा। नदी? हाँ जा। बोट लेके? दिखेगा, बोट लेगा। ओके, ये क्वाई होगा ना? हाँ। क्या बोलता है, तमुल बोलता है क्वाई? तमुल। ओके ना, चलो ये लो जो सिंगा ना। और ये सामने क्या लगा हुआ है? गन्ना? ये शुगर केन। शुगर केन है? शुगर केन भी लगता है यहाँ पे? ओ दो। ओ भाई ये तो पंजाब वाली वाइब्स हैं, पूरी नागालैंड के अंदर भी। फाल्कन क्रिक अंदर से आ जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है
ये आपका फाल्कन क्रिक का, हम बिल्कुल सेंटर के अंदर है। ये कैंप टेंट टूरिस्ट के लिए, ओके ऐसे ही टेंट हमारे पास है। और सामने की तरफ आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कॉटेजेस टूरिस्ट लोग के लिए भाई, लेकिन टूरिस्ट तो यहाँ पे रहता ही नहीं है, लेकिन टूरिस्ट तो रहता है नागा एक्स आर्मी मेंबर्स के साथ में। भाई हाउ आर यू? सो अपना सर्जेंट अपना वेट कर रहा है रूम दिखाने के लिए। ओके ये भाई कॉटेज, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। ओके ये आपके कॉटेज का बालकनी, ये अपने बोट वाले भैया जो कि अपने को लेके जाएंगे। ये आए भाई फिशिंग करके, और मछली दिखाता हूँ कितना बड़ा बड़ा पकड़ा है। मर गया है जिंदा है? जिंदा है, ये जिंदा है। ओके इसे कौन सा मछली, क्या क्या बोलता? बहु कतला, कतला कतला। एक मछली का वेट कितना होगा? 3 किलो। ओके मैं उठा के देख सकता हूँ? 2 किलो। अच्छे से छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हाथ उठेगा। ओह फक, अच्छा है। इसका मार्केट में क्या भाव होगा 1 kg का? काम है वो तो 250 1 kg। लेने से ले लो। नो नो मेरे को नहीं चाहिए। ओके अभी आपने 3000 का काम कर लिया है ना? ओह गुड, जस्ट चेक इट आउट, ये लोग लोथा लैंग्वेज कैसे बोलता है। ये पोस ना दो सुंदर आ तुम नो जाला बड़ा बोल रहे हो जमा से बोल ले ना। ओमो ये पिता रो ना इन्हें और होता मेरे से नहीं हो रहा भाई बिल्कुल भी। टाइम टू वेयर लाइफ जैकेट। यार मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैं चाहता था अपने सर्जेंट के साथ हम दोनों ही जाएं, मतलब एक थोड़ा जंगली तरीके से सीधा बोट के ऊपर बैठ के, लेकिन ये लोग तो साथ में भैया भी जा रहे हैं अपने गाइड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बोट राइड, सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। सर्जेंट रेडी रेडी तैरना मत। हाँ तैरना मत, मैं बीच में जाके तैरेगा। ओके आ जाओ, किधर बैठने का? इधर बैठने का। ओके पूरा झूल रहा है, अगर मैं इसके अंदर चला जाऊं और फिर बोट के ऊपर चढ़ना चाहूं तो नहीं चढ़ा जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है मैं बीच में जाके तैरेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके देन गो। ओके पानी भी निकालता रहना पड़ेगा, लीक हो रहा है भाई, बोट लीक हो रहा है। सर्जेंट तुम तो सामने आ गए हमारे, कुछ दिखता ही नहीं। तुम उतर जाओ पानी में, तैर के आओ हमारा पीछे। ओके नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है साइड से मेरे को पूरा। भाई मैं तैरने तैरने का बोलता रहा हूँ, पहले पानी चेक कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, पहले मैं सोचा बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो शायद मैं हाफ जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. ये बोट जितना चलाना है जी मैंने समझा था उतना जी है नहीं भाई। इन लोगों को उस तरफ जाना है और बोट 5 से 6 बार चक्कर काट चुकी है, क्योंकि एक तो पानी का बहाव हो गया और दूसरा हो गया हवा, इतना भी इस बोट के लिए डिसबैलेंस करने के लिए काफी है। अभी पानी कौन सी तरफ बह रहा है? उधर ही तरफ। और हवा कौन सी तरफ से आ रही है? अच्छा अरे भाई 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 उधर जाती जाती वापस घूम गई बोट। वापस घूम गया, वापस घूम गया। भाई पिछले 1 घंटे से हम कहीं पे जा नहीं रहे, बस घूम ही रहे हैं वो भी इसी एरिया में। भाई 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 अपनी बोट में पानी घुसने लग गया है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया, पूरा घुमाता ही है ना दो, आगे नहीं जाने देता। तभी तो बोट नहीं घूम रहा था, मैं सोचे ऐसा क्या मजाक बना हुआ है। नहीं नहीं आपको स्विमिंग करना आता होगा ना? आता है लेकिन इसमें करने का मजा नहीं आता ना, परेशान हो जाता है। लेकिन मैं निकालना भी नहीं चाहता क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, हाफ जाऊंगा तो फिर नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। दोस्त कितने हैं? दोस्त आ जाओ ना आप लोग भी। हाँ अरे सर्जेंट के पास आओ यार, आप लोग जो बोलेगा वही करेगा यार, आपको रियल नागालैंड दिखाएगा भाई।
ओल नागालैंड आप लोग ऐसा नहीं दिखेगा, वो प्रो आएगा वापस आएगा ना तो फिर आ जाओ सीधा मारा मेरा घर में आ जाओ। अगर आपको इस एरिया में आना हो क्या बोलते हैं वाइल्ड वाला एडवेंचर लेना हो ना कम टू सार्जेंट। ये अपने फिश के अंदर मसाले डाल के एक बार इनको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो स्विमिंग सेशन के बाद अपना हाई प्रोटीन खाना वो वाला फिश आ चुका है भाई प्लेट के अंदर। लेट्स एंजॉय विद शुखा रोटी। जीसस थैंक यू फॉर दिस फूड। यार फिश का बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसमें जो कांटा आता है ना मेरे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। कभी आपके गले में फंसा है? फंसा था। फिर कैसे निकलता? ये मेन। ओके ये खाएगा? पूरा खाएगा, मेहनत करना है। ओके निकल जाएगा, फिर मेरे को डरने का जरूरत नहीं है, खुला होके खा सकता हूँ मैं ना। भाई क्या जगह है यार, पूरा जन्नत है जन्नत। अगर आप नागालैंड में आते हो ना कभी भी वोखो डिस्ट्रिक्ट में, और इस नदी का नाम मेरे हिसाब से बोफो नदी है, प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। मैं सजेस्ट करूँगा आप चाहे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आप यहाँ पे रुको, किसी में अपना टेंट लगा आ सकते हो, कहीं पे भी टेंट लगा सकते हो, लेकिन आना पूरा वर्थ इट होगा। यहाँ पे दो दिन तो कम से कम स्पेंड करोगे तो नेक्स्ट लेवल चिल होगा भाई। अब और दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा यहाँ का आसपास का लोकेशन कैसा है। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको बैठने के टावर मिलेंगे, चिल वाइब्स। ये वाला जो लोकेशन है ये यहाँ का मेरा बेस्ट पर्सनल फेवरेट भाई। जाएगा आप बैठेगा? ओके तो भाई जा रहे हैं अपने को एक पॉइंट तक ड्रॉप करने के लिए। हाल देखो भाई अपने जंक्शन का, धुलिया धूल भाई, बाकी कुछ नहीं चलता यहाँ पे, सुमो 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 सुमो, और सुमो भी ऐसे स्टैंड से किसी को बिठाने के लिए रोकता नहीं है। ऊपर ओके ओके ये सबसे अच्छा होगा। चलो भाई कस के पकड़ना पड़ेगा रास्ता, ऐसा फेंक के भी मार देगा ये गाड़ी अपने को। देखो आ गया आ गया आ गया आ गया। सर्जेंट गाड़ी वगैरह नीचे गिर जाता है या नहीं गिरता? क्या गाड़ी नीचे गिर जाता है कभी बारिश वगैरह के टाइम में? नहीं। तो यहाँ पे रोड इतना खराब नहीं है, चलता है, इतना नॉर्मल होता है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी कैटेगरी में आता है ऐसा रोड भाई। खराब सबसे ज़्यादा मैंने देखा था मिजोरम में, जब हम लोग मामे डिस्ट्रिक्ट गए थे ना, जब हम लोग राजीव नगर गए थे भाई, बिल्कुल त्रिपुरा बॉर्डर से चंपोई हिल्स से राजीव नगर। भाई 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 हर टर्न के ऊपर लग रहा है अबकी बार हाथ छूट जाएगा, अबकी बार हाथ छूट जाएगा, लेकिन अब तक तो सही चचा हुआ है सब कुछ। वैसे ये रेट भी बुरी नहीं है भाई, अच्छा एडवेंचर दे रहा है। सर्जेंट कैसा मजा आ रहा है या डर लग रहा है? एकदम मजा आ रहा है। आई साला डर लगेगा क्या साला। आदमी को मार मार के आया इसमें डरेगा। सो वेलकम बैक पंक्ति विलेज। सब लोग अपनी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? ये दोस्त है ना इसके। अच्छा दोस्त है। भाई सुमो वाले ने हमारी हालत देखी, किराया भी नहीं लिया हमसे, ये अच्छा था। वो सोच रहा था कि परेशान हो रहे हैं बेचारे, लेकिन उसको क्या पता हम सार्जेंट के साथ में चिल कर रहा था ऊपर। ओके बैक टू द कैफे। I need cappuccino, one cappuccino with one poha. तो यार अभी एक आंटी आई और इसको गिफ्ट दे के चली गई। मैंने पूछा भाई तेरे को गिफ्ट क्यों दिया? स्कूल में फर्स्ट आई ये लड़की, इसका शक्ल देखो लगता नहीं है फर्स्ट आएगा। इसको खोलो तो, लेट्स ओपन। मेरे को दो मैं खोलता हूँ, मैं खोलूँ? मैं ये पकड़ो। Okay. ऐसे फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा।
इसे बाबू भाई फर्स्ट कोई आया अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ इसमें क्या पियोगी दूध ये तुम्हारे पापा की सही काम आएगा खुशी देख रहे हो लड़की के चेहरे पे कंग्रेचुलेशन जो ही प्यारा कंग्रेचुलेशन यार दो घंटे हो चुके हैं घर पे आए और शाम का टाइम लगभग 3 के अराउंड हो चुका है और मेरा होस्ट बार बार मुझे वो चीज़ करने के लिए फोर्स कर रहा है जो मैं नहीं करना चाहता गेस व्हाट यार वही मर्दों वाला काम नहाना नहीं चाहता मैं और अपना जो होस्ट है वो पूरा मिलिट्री एटीट्यूड में टाइम टू टाइम डिसिप्लिन वाला काम चाहिए इसको तो नहाना पड़ेगा कहाँ पे ओके वो जो पर्दा लगा है पानी ठंडा पानी ठंडा नो प्रॉब्लम ठंडा नो प्रॉब्लम सो फ्रेश नो आई जाला मरवाएगा हमको ओके इसलिए ओके दिस इज आवर मस्त वाला बाथरूम लेट्स हैव सम फन हो गया फन भाई छत अपने लेवल का इनका भी ना वैसे एक चीज बताना मेरे को अगर आप नागालैंड से हो तो आप लोग सिर्फ बैठ के नहाते हो क्या खड़े हो के नहीं नहाते क्या यार यार नागालैंड में ना आपके जो ये मिलिटेंट्स हैं ये इतना कुछ ज्यादा पैसा नहीं कमाते इनके जो लीडर्स हैं ना भाई पैसा वो बनाते हैं असली ये बेचारे वैसे जैसे अपने मिलिट्री में जो सोल्जर्स होते हैं ना जिनका ब्रेन वॉश कर देते हैं तो उसके बाद वो जो भी ऑर्डर मिले फॉलो करते जाते हैं पैसा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए वो हाल है इनका सो लाइफ इज लाइक दैट है ये पूरी एना बेलो लग रही है ना एना बेले होता है क्या होता है हेलो हेलो ओके यू कम विद अस ठीक है ओके तू भी चलेगा तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं गांव में घूमने के लिए आई यो कितना भारी है तू यार नेम नेम नाम की माइनी माइनी ओके और ये भी जाएगा उसका नाम की डॉगी नाम मिंकिया नीचे उतरेगा हाँ ये जी रहेगा तेरे लिए भी मेरे लिए भी ये वाला सिस्टम है ना भाई ये आपको नागालैंड के हर गांव में मिलेगा एक लकड़ी का आरा क्योंकि लकड़ी यूज़ ही हर घर पे करते हैं हर घर पे लकड़ी जलेगी हर घर पे लकड़ी के ऊपर खाना होगा पूरी रात तक जो भट्टी होता है उसके अंदर जलता रहेगा ये सामने देखो जितना भी पेड़ है ये एरिया इसको काट के ये सब कुछ लगाया गया है यहाँ पे इंग्लिश वुड वुड लोथा की अच्छा नहीं हो पाता भाई इतना मेरे टिल्ट नहीं मार रही जीभ अच्छा तू अच्छा हाँ विजिट अगेन मंत्रो का थैंक्स ओके मंत्रो का याला गुड अपना काम किया गया भाई मंथ्स को का हेलो इंग्लिश हाउ आर यू लोथा की हाउ आर यू लोथा हाउ गुड नो लोथा गर्ल्स आर सो डिसरिस्पेक्टफुल तो ये पहुंच चुके हैं हम एक लोथा दुकान के ऊपर मे कम इन ओके हाँ फोन पे ऑनलाइन या ओके देन गुड तो भाई ऐसा कुछ शोभा को ज्यादा आइटम तो नहीं है यहाँ पे एंड दिस इज एशिया मैप ओके रैपर थैंक यू सर सो एक्सक्यूज मी आई वांट टू आस्क यू समथिंग वेयर फ्रॉम
I'm from Rajasthan. Okay. For what purpose you came here? Tourist. From tourist? Yeah. Are babre. I'm shocked. English, how are you? Lotha? Yeah, I'm Lotha. But I will educate now, that's why I'm speaking. No. In English, I say, how are you? In Lotha, meaning? How are you? Vudula. 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 Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Muncho. Okay. Muncho. यार शाम का टाइम है लेकिन इस गांव में कोई भी चहल पहल नहीं दिख रही मेरे को. सभी लोग पता नहीं कहाँ गए. नो पीपल हेयर. लोग नहीं रहता घरों में. कहाँ गया? अंदर ऐसे नहीं घूमता, गली में नहीं घूमता. डोंट वॉक लाइक अस. प्ले. हाँ हाँ जाने क्यों? अरे भाई चलते चलते रोड के ऊपर आंगनवाड़ी सेंटर आ गया. गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड आंगनवाड़ी सेंटर सुंगरो. ए सुंगरो मीन्स विलेज. सुंगरो. अच्छा हम दूसरे गांव में पहुंच गए भाई चलता चलता 10 मिनट में ही. लिफ्ट तू मांगेगा हम ना, ना, हम मैं यस नो कोई देगा भी नहीं भाई इतना. ये जी नो अलग मानो आशे अलग लोग हैं. ओके हमारी जैसा ही है या कोई दूसरा है? दूसरा. तो भाई रात को यहाँ पे दूसरे लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं. बड़े हरामी यार लोथा लोग के कुत्ते. तो हमारी कुत्ती देखी नहीं हाईजैक कर ली. ओए 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 सुंदर लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हो. छोड़ो इसको. आए चल चल गो गो गो. अच्छा मिली भगत है भाई दोनों की. ठुकाओ फिर देखो कैसे हमने लड़की की इज्जत बचा ली. बड़े होनी भाई नागालैंड के कुत्ते देखो अब तक पीछा कर रहा है साला. अरे भाई 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 to be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.